हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 5.6। आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुपद का भाग बताएंगे, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए 8x-12 में भाग देना है 2x-3 से। अभी मैं आपको छोटा प्रश्न करा रहा हूँ, इसके बाद थोड़ा बड़ा प्रश्न कराऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब भी इस टाइप का प्रश्न आपके सामने आएगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा दिमाग से लगाएंगे तो ऐसे प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए 2x लिखा हुआ है और -3, और यहाँ पर 8x-12 लिखा है। आपको क्या करना है, यहाँ पर इतनी बार लेके जाना है कि यहाँ पर 8x आ जाए। क्या आ जाए, या तो 8x आ जाए या 8x से कम। तो यहाँ पर अगर हम 4 बार लेके जाते हैं, और ये कैसे पता चलेगा, अगर हम 4 में 2 से गुणा करेंगे 4 दूना कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। और यहाँ पर x है तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। आई बात समझ में, हमने 4 का गुणा 2x के साथ किया है तो कितना आया है, 4 दूना 8x आया है। अब यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस और माइनस माइनस ही होगा। 4 का गुणा 3 में करेंगे, 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर प्लस 8x है तो इसके नीचे माइनस लिखना है, यानी जहाँ पर प्लस वहाँ पर माइनस लिखना है। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर इसके नीचे प्लस लिखना है। अब ये 8x है और ये -8x है, अब ये क्या हो जाएगा, पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। और ये प्लस है, ये सॉरी ये माइनस है, ये प्लस है, तो 12 में से -12 घटाएंगे तो भी ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे आपका 0 बचा हुआ है। तो इस तरह से हम ऐसे सवालों को क्या सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, -6x/2 +17x-12, इसमें भाग देना है 2x-3 से। अब मैं आपको क्या बताया था, यहाँ पर उतना बार लेके जाना है कि यहाँ पर कितना आ जाए, जो चीज़ें यहाँ पर लिखी हो, जैसे -6x/2 लिखा है तो -6x/2 आ जाए। अब देखिए यहाँ पर कैसे पता चलेगा, अगर मान लीजिए 2 से आप 6 को काटें तो पता चल जाएगा 2 3 कितना होता है, 6 होता है। यानी अगर हम यहाँ पर 3 बार लेके जा रहे हैं तो 3 का क्या करना पड़ेगा, इन सभी के साथ गुणा करना पड़ेगा 2x-3 के साथ। तो अगर हम गुणा करेंगे 3 दूना कितना होगा, 6 होगा, और 3 का गुणा x के साथ करेंगे कितना होगा, x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर चाहिए क्या, -6x/2, जैसे यहाँ पर -6x/2 है, यहाँ पर ऐसी संख्या से भाग लेके जाएं कि यहाँ पर -6x/2 आ जाए। तो अगर मान लीजिए नहीं आ रहा है तो क्या करना पड़ेगा, ये माइनस में है तो ये भी आपको क्या, माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। और ये यक्स है तो अगर हम यहाँ पर यक्स लिख दें और -3x का गुणा 2x के साथ करें तो -6x/2 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए मैं करके बताता हूँ, -3x का किसके साथ गुणा करना है, आपको 2x के साथ करना है। तो अब आप यहाँ पर गुणा करेंगे, माइनस गुणे प्लस क्या होगा, माइनस होगा। 3 का गुणा 2 के साथ करेंगे 3 दूना 6 होगा, x का गुणा x के साथ करेंगे तो x का पावर 2 होगा। वही चीज़ है, अब आपको -3x का गुणा -3 के साथ भी करना पड़ेगा, ये माइनस है ये भी माइनस में, तो माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 का गुणा 3 के 3x के साथ करेंगे, 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। अब आपको क्या, ये बटे का चिन्ह इस तरह से लगाना है, ये मैं रफ के लिए लिखा था। अब यहाँ पर देखिए, जहाँ पर माइनस का चिन्ह है उसके नीचे प्लस का चिन्ह बनाना है, जहाँ पर प्लस का चिन्ह है उसके नीचे माइनस का चिन्ह बनाना है। ये माइनस है और ये प्लस है, तो -6x/2 + 6x/2 सेम है, तो माइनस और प्लस क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा। अब ये प्लस है ये माइनस है, तो 17 में से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, 8x। यहाँ पर -12 है तो यहाँ पर -12 इस तरह से लिख लेंगे। अब आपको फिर से वही काम करना है कि यहाँ पर कितनी बार लेके जाएं कि यहाँ पर 8x आ जाए, तो 2 से 8 कितनी बार में कटेगा, 4 बार में। अब ये प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर मैं कितना, +4 लिखूँगा। और 4 का गुणा हमें 2x-3 के साथ करना होगा, तो 4 का गुणा 2x के साथ करेंगे, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। और 4 का गुणा -3 के साथ करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस आपका 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये प्लस में है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, 8x में से 8x घटाएंगे 0 आएगा, -12 में से +12 घटाएंगे 0 आएगा, यानी आपका शेषफल आपका कितना आएगा, शेषफल आपका 0 आएगा। अब कोई पूछे भागफल कितना है, तो -3x + 4 है। कोई पूछे भाज्य कितना है, तो -6x/2 + 17x-12 है। कोई पूछे भाज्य बराबर भाजक कितना है, तो 2x-3, यानी जिससे हम भाग दिए हैं। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होता है।
तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये सारे बहुपद के भाग आ गए होंगे तो इससे थोड़े जो कठिन प्रश्न और हैं वो भी आप आसानी से लगा सकोगे। अगर नहीं लगा पाओगे फिर से आपको समझाया जाएगा। वैसे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छे से उन प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो इतनी देर तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई लव यू।